So, my dear students, in yesterday's class, we were discussing about the inverse of the matrix, है ना? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट. हाँ, इफ इट इज सिंगुलर देन इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो आता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा. देयरफॉर द मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर. मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए. नॉन सिंगुलर मीन्स उसकी वैल्यू अदर देन जीरो होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स, यू हैव टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट, है ना? तो वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा. सो हियर द क्वेश्चन इज, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू चेक द वेदर इट इज सिंगुलर और नॉट सिंगुलर. सो हियर हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं. सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरह से होगा, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 and 1, है ना? इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो तो 2 into हो जाएगा, ये 2 into -1 -0, दे -1 into ये 4 into 1 -0, देन +3 into 8 -7, है ना? सो कितना आता, देखो 2 into -1 -2, राइट? देन -4, दिस इज कितना आता है, +3 -7, +3, 8 -7 1, सो 3 into 1 दैट इज 3. तो ये कितना था, -3 होता है ना? विच इज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर एज एज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. ये इनवर्स एग्जिस्ट ऐसा लिखना है. सबसे पहले समझ में आए क्या? हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -3 आ गया हमारा. ये समझ में आया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू गेटिंग में और नॉट? यस सर। हाँ, ओके. अभी हम क्या करेंगे, वी नो दैट, अभी वी नो दैट इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा होता है ना? ये नंबर वन, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमको पता होगी. अभी हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के यहाँ रखना है, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा. सो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द को फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज कंसर्ट एलिमेंट्स. सभी एलिमेंट्स के को फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, है ना? सो हियर ए 1 1, 1 + 1 है, पॉजिटिव इवन नंबर था तो प्लस ही होगा, प्लस. तो लिखो अभी कितना था, ए 1 1 का को फैक्टर -1 -0, है ना? ये कितना होगा, फिर -1 हो जाएगा, राइट? देखो आपको समझ में आ रहा है कि, तो ए 1 1 -1, ए 1 2 निकालते हैं, ए 1 2, ए 1 2 1 + 2 ऑड नंबर होता है, माइनस नंबर दे दो, माइनस ए 1 2 ये वाला, 4 into 1 4 माइनस ये 0, है ना? तो ये हो जाएगा आपका -4, -4 होगा, राइट? तो ए 1 3 निकालो, ए 1 3, 1 + 3 4 होता है, अब इवन नंबर होता है, प्लस रहेगा आंसर. सो 4 into 2 8, देन माइनस -7 into -1 +7, तो ये -7.
तो ये होगा आपका वन ए वन थ्री इज वन, फिर ए टू वन निकालते हैं, ए टू वन टू प्लस वन ऑड नंबर होता है, माइनस दे दो ए टू वन इसका, इस कॉलम को इस रो को छोड़ो, तो वन माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस फाइव होता है, देखो ए टू टू ए टू 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 प्लस टू इवन नंबर होता है प्लस आ जाएगा, वो ब्रैकेट में देखो टू प्लस टू में ये माइनस वन, ये वाला टू प्लस टू टू है ए टू टू, इस रो को छोड़ो इस कॉलम को टू इंटू वन टू, देन माइनस सेवन इंटू थ्री माइनस ट्वेंटी वन, तो ये प्लस ट्वेंटी वन हो जाएगा, तो ट्वेंटी थ्री हो जाएगा राइट। ए टू थ्री ए टू थ्री टू प्लस थ्री फाइव ऑड नंबर होता है, माइनस दे दो ए टू थ्री जीरो, ये वाला ले लिया बट ए टू थ्री वाला, इस रो को छोड़ो इस कॉलम को छोड़ो टू इंटू टू फोर फोर माइनस माइनस सेवन इंटू वन माइनस सेवन, तो प्लस सेवन हो जाएगा, तो माइनस एलेवन आ जाएगा बराबर है। ए टू थ्री फोर प्लस सेवन और वो माइनस एलेवन आ जाएगा, फिर ए थ्री वन ए थ्री वन में ये वाला एलिमेंट थ्री प्लस वन पॉजिटिव था प्लस आ जाएगा यहाँ पे, इस कॉलम इस रो को छोड़ो वन इंटू जीरो जीरो माइनस माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री ये प्लस थ्री, ये प्लस थ्री होगा ए थ्री वन ए थ्री टू, देखो ए थ्री टू थ्री प्लस टू ये ऑड नंबर होता है माइनस दे दो थ्री प्लस टू, तो इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो टू इंटू जीरो जीरो टू इंटू जीरो जीरो माइनस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, सो प्लस ट्वेल्व हो जाएगा, देन ए थ्री थ्री ए थ्री 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 प्लस थ्री इवन नंबर होता है प्लस में आएगा, ए थ्री थ्री में सी वन वाला ए वाला एलिमेंट इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो टू इंटू माइनस वन माइनस टू, देन माइनस माइनस फोर इंटू वन फोर, ये माइनस सिक्स होगा माइनस सिक्स। देखो यहाँ तक समझ में आए, ए वन वन हमारा ये वाला एलिमेंट है, ए वन टू ये है, ए वन थ्री ये वन है, ए टू वन फाइव, ए टू टू इज ट्वेंटी थ्री, ए टू थ्री इज माइनस एलेवन, ए थ्री वन इज थ्री, ए थ्री टू इज ट्वेल्व, ए थ्री थ्री इज माइनस सिक्स। इस तरह से आपको थ्री बाय थ्री का अगर मैट्रिक्स है तो नाइन एलिमेंट्स आपको निकालना है। देयरफॉर एडजॉइंट निकालते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकालते समय क्या करेंगे हम, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए वन वन कितना है देखो माइनस वन, ए वन टू माइनस फोर, ए वन थ्री वन है ना, माइनस वन माइनस फोर वन, फिर फाइव ट्वेंटी थ्री एंड माइनस एलेवन, ये फाइव ट्वेंटी थ्री एंड माइनस एलेवन, देन थ्री वन दैट इज थ्री है ना ट्वेल्व, देन माइनस सिक्स है ना, सो दैट इज इक्वल, ये इसका ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट हो जाएगा आपका माइनस वन, ये जो रो है ये कॉलम बनेगी, माइनस फोर वन फाइव ट्वेंटी थ्री माइनस एलेवन थ्री ट्वेल्व माइनस सिक्स, दिस इज द एडजॉइंट। समझ में आएगा, देखो एडजॉइंट कैसे निकाला मैंने, समझ में आया, नेहार आवाज आ रहा है करे? यस सर, ठीक सर। हाँ तो बात करते जा, थोड़ा रिस्पॉन्स देने का रे, कौन है लॉबी में, परेश अभी आ गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला फार्मूला, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस थ्री था हमारा इनटू ये एडजॉइंट माइनस वन फाइव थ्री माइनस फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व वन
माइनस 11 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 3 से डिवाइड करो, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 3, 1/3 होगा, 1/3 और बढ़ा ले 1/3, देन -5/3 -1 पहली रो बढ़ेगी है, देन 4/3 -4 अपॉन -3 तो -23/3 देन माइनस 12 अपॉन -3 कितना होगा -4 होगा -4 वन अपॉन माइनस माइनस 1/3 -1/3 सो 11/3 और ये 2 हो जाएगा, हो गया, दिस इज द इनवर्स, ये उसका इनवर्स हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है ये इनवर्स निकालने में? नो सर। हाँ अभी आप क्या करो, देखो जे अगर ये ए इनवर्स है तो ये इनवर्स अभी जस्ट यू वेरीफाई और इन टू ए करो तो आई मिलता है, देखो 2 1 3 ए हमारा 4 -1 0 -7 2 1 ये आई मिलना चाहिए, देखो तो ट्राई करो मल्टीप्लीकेशन करो तो यू ट्राई योर सेल्फ, आप ट्राई करो मिलता है कि तो प्रोडक्ट करके देखो दो मैट्रिसेस का आई मिलना चाहिए 100 010 001 इस तरह से मिलना चाहिए, ठीक है, तो या बाद में इसको प्रैक्टिस कर लेना, आता है कि नहीं, जस्ट वेरिफिकेशन आई आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कहते कि ये उसका इनवर्स है इस ए का तो दोनों का प्रोडक्ट आई आना चाहिए, इसको आप बाद में वेरीफाई करके देखना है, एक्चुअली पेपर में नहीं करने का, जस्ट ए इनवर्स ही निकाल के रखना है, लेकिन आपके सेटिस्फिकेशन के लिए आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा मैट्रिक्स लेता हूं मैं, सी 1 -1 2 0 2 -3 ओके एंड थर्ड रो इज 3 -2 एंड 4 ओके, इसका आपको इनवर्स निकालना है, बताइए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, श्रेया बताओ, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो चेक करना है, हाँ इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करना है, वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है पहले चेक करना है, सो हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 1 × ये 1 × ये 6 8 4 × 8 माइनस ए 6 हो जाएगा, देन माइनस माइनस एंड माइनस 1 तो प्लस 1 × ये कितना 0 0 2 4 0 माइनस ये माइनस 9 तो प्लस 9 हो जाएंगे, देन प्लस 2 × 0 है ना, ये 0 माइनस 6 माइनस 6 तो कितना आता है, देखो 8 माइनस 6 2 प्लस 9 माइनस 12 कितना आ जाएगा, माइनस 1 आता है, देखो यस सर माइनस 1 आता है, ओके सो अभी क्या करना है हमको इसका ऐड जॉइन, नाउ वी नो दैट यहाँ पे लिखो व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर and hence a inverse का exist होता है, ये लिखना है सबसे पहले, पहले उसका determinant की value निकालो, ठीक है, फिर वो अगर if it is not equal to 0 that is a is non singular therefore a inverse exist, क्योंकि हमने उसका theorem देखा था, if a is a matrix then its inverse exists if and only if it is non-singular, ठीक है, so we know that A inverse equals to formula लिखो भी 1 upon determinant of A into adjoint of A, यह हमारा formula A inverse निकालने के लिए, ठीक है, अभी को फैक्ट adjoint निकालना पड़ेगा हमको भी, अभी यह adjoint निकालना है A का, okay, therefore
कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो ए वन वन, अरे बताओ मुझे कितना होता, तो ए वन वन, वन प्लस वन तो ये पॉजिटिव, प्लस टू होगा प्लस रहेगा, इतना आता देगा ए वन वन एट प्लस माइनस सिक्स टू आया था क्या, देखो चेक करो ए वन वन, यस सर। हाँ देन ए वन टू निकालो, ए वन टू मीन्स ये वाला, वन प्लस टू माइनस होता है, ऑड नंबर होता है, माइनस दे दो, फिर इस रो को छोड़ इस कॉलम को, जीरो इंटू फोर जीरो, माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन, माइनस नाइन तो ये प्लस नाइन हो जाएंगे, तो आंसर माइनस नाइन होगा। ए वन टू, ए वन थ्री निकालो, ए वन थ्री, वन प्लस थ्री प्लस होता है फोर होता है तो वो पॉजिटिव रहेगा, ये होगा जीरो इंटू माइनस टू जीरो जीरो, और ये माइनस सिक्स होगा, तो आंसर ये माइनस सिक्स होगा, ए वन थ्री है ना। तो ये एक निकाला हमने, ये सेकंड, ये थर्ड, अभी ए टू वन निकालो, बताओ माइनस होगा, हाँ बताओ कितना आता है, ए टू वन, ये है ए टू वन वाला एलिमेंट, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, माइनस फोर और प्लस फोर जीरो आएगा, राइट, ए टू टू -4 -4 है तो माइनस फोर, ए टू वन, ए टू वन मीन्स ये वाला, तो माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर हो गया, माइनस फोर फिर माइनस टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, तो माइनस और माइनस फोर प्लस फोर हो गए, वो 0 है तो सर। जीरो है, ठीक है ना। तो ए टू टू निकालो, ए टू टू, टू प्लस टू इवन नंबर होता है ना, टू प्लस टू तो यहाँ पे प्लस ही होगा वो, प्लस, हाँ बताओ ए टू टू किस, ये वाला एलिमेंट, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, ये कॉलम को -4 छोड़ना है इस रो को छोड़ा, वन इंटू फोर -6 फोर, -6 सर। हाँ यस, -2 ए टू टू कितना था रे, ए टू टू ये वाला एलिमेंट चल रहा है हमारा, ये कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, वन इंटू फोर फोर, माइनस सिक्स, माइनस टू आता है, ए टू थ्री बताओ, ए टू थ्री, टू प्लस थ्री आठ नंबर होता है, माइनस दे दो, हाँ बताओ कितना आता है, ए टू थ्री आप बताओ कितना आता है, तो 1 -1 माइनस वन, वेरी गुड, -1 हाँ माइनस वन, ये ए टू थ्री ये वाला एलिमेंट, इस रो को छोड़ इस कॉलम को, वन इंटू माइनस टू माइनस टू, और माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन ना, प्लस थ्री, ये थ्री इंटू माइनस वन है ना, माइनस थ्री और पहले का माइनस वन, प्लस थ्री होगा, माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन, और बाहर माइनस है तो ये माइनस वन, ठीक है। फिर ए थ्री वन इसका निकालो, थ्री प्लस वन फोर, इवन नंबर पॉजिटिव वन रहेगा, हाँ थ्री प्लस वन कितना होता है, माइनस, ये थ्री माइनस वन इंटू माइनस थ्री, थ्री माइनस फोर, माइनस माइनस फोर आता सेवन क्या देखो, यस सर हाँ ओके, अब ये थ्री टू, ए थ्री टू देखो, थ्री प्लस टू फाइव, आठ नंबर होता है, माइनस दे दो, थ्री टू मीन्स ये वाला माइनस थ्री एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, वन इंटू फोर फोर है ना, माइनस जीरो, माइनस फोर आ जाएगा, ए थ्री टू सर। 1 × -3 ना सर। तो सॉरी थ्री कितना का देखो, 1 × -3 कौन सा लिया हमने, ए थ्री टू में ये वाला, प्लस इस वन एंड रो को सर। छोड़ो इस कॉलम को, वन इंटू फोर सॉरी वन नो इंटू थ्री सर। होगा ये, 1 − हाँ वन इंटू माइनस थ्री होगा, देखो सॉरी देखो कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, इसका निकाल रहे, इस कॉलम को छोड़ो इस रो को छोड़ो, वन इंटू माइनस थ्री माइनस थ्री है ना, वन इंटू माइनस थ्री और ये जीरो जीरो है ना, माइनस जीरो कितना आ रहा है, थ्री आ रहे हैं, प्लस थ्री आ रहा है, देखो आप चेक करो,
यस सर, हाँ यस सर। अभी ए थ्री थ्री देखो, ए थ्री 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 प्लस थ्री, इवन नंबर था, सिक्स प्लस रहेगा, इस एलिमेंट का देखो, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, वन इंटू टू टू माइनस जीरो, सो ये टू आएगा, हो गए को फैक्टर्स इस तरह से। देयरफोर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, इक्वल्स टू इसका आएगा ट्रांसपोज, ए वन वन टू है, ए वन टू माइनस नाइन है, ए वन थ्री माइनस सिक्स है, ए टू वन जीरो है, ए टू टू माइनस टू है, ए टू थ्री माइनस वन है, ए थ्री वन माइनस वन है, ए थ्री टू थ्री है, और ए थ्री 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 टू है, दैट इज इक्वल्स टू। अभी रो को कॉलम में चेंज करो, टू माइनस नाइन माइनस सिक्स, जीरो माइनस टू माइनस वन, माइनस वन थ्री टू, दिस इज द एडजॉइंट, टू जीरो माइनस वन माइनस नाइन माइनस टू थ्री माइनस सिक्स माइनस वन टू। तो ये सारे कैलकुलेशन आपको सिस्टमेटिक करना बराबर, कोई गलती नहीं होना चाहिए इसमें से। अगर एक भी को फैक्टर आपका गलत हो गया तो आगे पूरा गलत होगा, कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। सो बी केयरफुल वाइल फाइंडिंग द को फैक्टर्स ऑफ दिस एलिमेंट्स, ओके, ये थोड़ा केयरफुल करना है। अभी हमारे पास में एडजॉइंट मिल गया, देयरफॉर ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना था डिटरमिनेंट, माइनस वन था डिटरमिनेंट ऑफ ए, माइनस वन इंटू उसका एडजॉइंट टू जीरो माइनस वन माइनस नाइन माइनस टू थ्री माइनस सिक्स माइनस वन टू, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, माइनस टू जीरो वन नाइन टू माइनस थ्री सिक्स वन माइनस टू, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ऐसा मतलब सिंपल है ना, हेलो, अरे सोपा है कि नहीं है, यस सर, हाँ सिंपल है, एग्जाम में गलती मत करना, पूरे मार्क्स मिलना चाहिए। फोर मार्क्स के लिए जनरली आता था क्वेश्चन इसके पहले, अच्छा क्वेश्चन से, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यहाँ पे को फैक्टर निकालते समय गलतियाँ करते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, अच्छे पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, अगर आपका इनवर्स करेक्ट है तो। अगर इनवर्स गलत हो गया, एक भी एंट्री उसमें गलत हो गई, तो फिर मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो और एक हजार लेते चलो, 11 नंबर का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 4.5 में का, ए इक्वल्स टू वन जीरो 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 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ओके, जीरो साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ऐसा। अभी निकालो इसका डिटरमिनेंट, बताओ तो मुझे कितना था डिटरमिनेंट, तो आप निकालो, आप लोग निकालो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। हियर सॉल्यूशन, हियर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू वन इंटू ये वन इंटू माइनस कॉस स्क्वेयर अल्फा, ये होगा है ना, देन माइनस साइन स्क्वेयर अल्फा, बट देन माइनस जीरो इंटू, ये भी जीरो है छोड़ दो उसको, ये क्या होगा, माइनस को बाहर निकालो तो साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा माइनस वन हो गया। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, एंड हेंस हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स है उस मैट्रिक्स को, ठीक है। देयरफॉर वी नो दैट, वी नो दैट A inverse equals to
वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखो, ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ चलो अभी निकालते ए वन को फैक्टर्स निकालते नाउ, निकालो तो ए वन वन बताओ अभी मुझे ए वन वन क्या होगा उसका, तो माइनस वन। वेरी गुड, माइनस वन। देखो यहाँ पे वन प्लस वन है तो पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, ब्रैकेट में दे दो अभी, ए कॉस इनटू का ए होगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस को बाहर निकालो तो माइनस वन होगा, है ना। देन ए वन टू निकालते हैं, ए वन टू जीरो, ए वन टू जीरो आ जाएगा, जीरो, वेरी गुड, जीरो आ जाएगा, क्योंकि वो ऐसा होगा ए वन प्लस टू माइनस हो जाएगा और ये डिटरमिनेंट में आ जाएगा आपका जीरो साइन अल्फा, जीरो माइनस कॉस अल्फा, ऐसा आ जाएगा, जीरो इंटू जीरो ये जीरो, जीरो ही हो जाएगा इस तरह से, है ना। ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन थ्री निकालो, ए वन थ्री इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, ये भी जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, देखो ए वन थ्री बराबर है क्या, ए वन थ्री यस सर। हाँ अभी ए टू वन निकालते हैं, ए टू वन में ये वाला ही है, ए टू वन कॉस थीटा, ये भी जीरो आएगा, ये देखो ए टू वन आएगा, ए टू वन ये इंटू एन ए इंटू ए जीरो होगा था ना, हो जाएगा ना, राइट। ए टू टू निकालते हैं, ए टू टू निकालो, ए टू 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 प्लस टू फोर होता है और प्लस हो जाएगा, ए टू टू ये कॉस अल्फा, ये ए टू टू एलिमेंट है तो ये क्या होगा, वन इंटू ये माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कितना होगा, जीरो होगा क्या, वो जीरो, तो ये होगा माइनस कॉस अल्फा, देखो चेक करो आप, ए टू थ्री, ए टू थ्री निकालो, माइनस साइन थीटा, ए टू थ्री माइनस साइन अल्फा, वेरी गुड। ए थ्री वन निकालो, बताओ ए थ्री वन, ए थ्री वन जीरो आएगा, देखो ए थ्री वन, देखो ये ए थ्री वन है, जीरो टी ए, हाँ जीरो आ जाएगा। ए थ्री टू बताओ, ए थ्री टू ये वाला, ए थ्री टू इलेमेंट, इस कॉलम को छोड़ो, इस रो को छोड़ो, ए थ्री टू माइनस साइन अल्फा था क्या, देखो ये ऐसा होगा ना, ए थ्री टू मीन्स ऐसा होगा, वन जीरो जीरो यस सर, ए थ्री टू ये वाला इलेमेंट, ये वाला इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो वन साइन अल्फा जीरो, ये जीरो, हाँ कितना था, माइनस साइन अल्फा आता है बराबर, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री निकालो, ए थ्री थ्री कॉस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, वेरी गुड, कॉस अल्फा हो गया, है ना। देयर फोर एडजॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयर फोर adjoint of A will be equals to, adjoint लिखो इसका, इसका transpose आ जाएगा, जो भी निकालेंगे हम उसका transpose आएगा, तो A11 क्या है, minus 1 है, minus 1, A12 क्या है, 0 है, A13 भी 0 है, ठीक है, A21 भी 0 है, A22 भी 0 है, A23 भी 0 है, A24 भी 0 है, ठीक है, A21 0 है, A22 minus cos alpha है, minus cos alpha, A23 minus sin alpha है, minus sin alpha, ए थ्री वन जीरो है, ए थ्री टू माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, और ए थ्री थ्री कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा, इस तरह से, तो ये होगा आपका एडजॉइंट। देयरफॉर यहाँ पे लिखो
एडजेंट इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज एडजॉइन का -1 0 0, -1 0 0, रो को कॉलम में चेंज करो, कि 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर ये 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना आया था हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए, -1 आया था, ये निकाला था डिटरमिनेंट ऑफ -1 इनटू एडजॉइंट -1 0 0 0 -cos α -sin α 0 -sin α cos α इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करो अभी, तो ये होगा 1 0 0 0 cos α sin α 0 sin α -cos α, दिस विल बी द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। देखो सिंपल है ना, लक्षा लगा तो बाकी जो क्वेश्चंस तो भी करू शकल का, बाकी जो एग्जांपल से उसके इनवर्स आप निकाल सकोगे। यस सर। हाँ ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेने का और इस फार्मूले से उसका इनवर्स निकाल के देखना है, और आप खुद उसका वेरीफाई भी कर सकते हैं कि भाई हमने जो इनवर्स निकाला है वो इनवर्स और दिया हुआ ये मैट्रिक्स क्या उसका प्रोडक्ट आई आता है क्या, अगर आई आएगा तो इसका मतलब आंसर सर 100% करेक्ट है। यस यस उसका इनवर्स और सर वो मैट्रिक्स सेम ही दिख रहे सर। कैसे है? हाँ हो सकता है ना, नहीं यहाँ पर कौन, हाँ यस 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 सेम ही है ना, तो देखो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएंगे फिर, सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कहेगा इसको कि स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक वेरी गुड, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैट्रिक नहीं रे, नहीं, सॉरी, सिमेट्रिक कब कहते हैं हम, उसका ट्रांसपोज अगर इक्वल है तो,